हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि जब हम कंप्यूटर चलाने जाते हैं तो दो कंपोनेंट जो ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और फिर ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि हार्डवेयर क्या होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली क्लास हमने आपको बताया था कि जब हम कंप्यूटर पे जाते हैं तो कंप्यूटर को बनाने के लिए चार कंपोनेंट्स लगते हैं। कितने कंपोनेंट्स लगते हैं? जो पहला हमारा क्या होता है? सीपीयू। दूसरा क्या होता है? मॉनिटर। और तीसरा क्या होता है? कीबोर्ड। और कीबोर्ड बस क्या होता है? यानी कि चार कंपोनेंट्स मिलते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। ये हमने आपको बताया था। दूसरी चीज, इसको चलाने के लिए कितने कंपोनेंट्स? यूजर, उसके बाद से हार्डवेयर, और हार्डवेयर के बाद से सॉफ्टवेयर। इतना क्लियर है ना? और इसका प्रोसेस हमने आपको बताया था कि पहला क्या होता है? इनपुट। इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद से क्या होता है? आउट। इतना क्लियर सबको ना? यानी कि सबसे पहले वो जो कंप्यूटर में हम जाएंगे तब हमारे पास चार कंपोनेंट चाहिए होंगे। इसको चलाने के लिए कितने कंपोनेंट? इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहला हमको ये समझ लेना यूजर, कि जब भी कोई व्यक्ति बैठा चलाने के लिए तो वो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होगा? यूजर। और हमने ये पढ़ा भी था कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। इसका कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हमको ये जान लेते हैं कि हार्डवेयर क्या है। किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है हार्डवेयर में कि कभी कभी हार्डवेयर को संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? HW कहा जाता है। कह रहा हार्डवेयर को कभी कभी संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? HW कहा जाता है। और अगर यह कंप्यूटर के ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के भौतिक भाग यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारा क्या है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो जिसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं या उसके द्वारा किए गए कार्य को महसूस कर सकते हैं, वो हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते। इतना क्लियर है ना? अब इसमें भी कह रहा है कि कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। और फिर आगे जरा, जैसे कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, लाइट पेन, सीडी रीडर या राइटर, केबल या SMPS। SMPS का फुल फॉर्म देखिए दे रहा है, स्विच मोड पावर सप्लाई। आ रहा समझे ना? ये सभी कंपोनेंट्स लाके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन कैसे कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिलहाल इन सब के बारे में समझ लीजिए। पहले कह रहा है क्या? कीबोर्ड। आप लोग कीबोर्ड के बारे में जानते हो, जो जिससे हम टेक्स्ट डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं, वो हमारा क्या होता है? कीबोर्ड। माउस क्या होता है? जिसके माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमारा क्या होता है? मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, जो हमारे पूरे कंप्यूटर का क्या होता है? जो एक प्लास्टिक के पैनल से बना होता है। और ना जी, बंद करो अपना सपना, बंद करो। इतना क्लियर है? और उसके आगे कह रहा है क्या? रैम। तो रैम आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी हम काम करते हैं किसके ऊपर काम करते हैं? रैम के ऊपर। अगला कह रहा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो। अगला लाइट पेन। लाइट पेन आप लोग पढ़े होंगे कि जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कि स्लेट पेंसिल के जैसा हम कोई भी जो डिजाइन करना चाहें हम किससे करेंगे? लाइट। सीडी रीडर, जिसके माध्यम से आप लोग पढ़े होंगे सीडी और डीवीडी, जिसको रीड किया जाता है। अगला कह रहा है क्या? केबल। केबल क्या होता है? कि जो डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिसिटी को पावर देता है हमारे कंप्यूटर, वो क्या होता है? और अगला कह रहा है क्या? SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या दिया है? स्विच मोड पावर। अब इसका काम क्या होता है? तो अगर जो आप अपने कंप्यूटर में जाएंगे ना, तो जो मदरबोर्ड होता है उसको हम डायरेक्टली अगर जो एसी करंट दे देंगे ना, वो आपका मदरबोर्ड जल जाएगा डायरेक्ट।
एसी और डीसी का सबको पता है ना, एसी का मतलब क्या होगा? अल्टरनेट करंट, और डीसी का मतलब क्या होगा? करंट। एसी का मतलब क्या कि जिसको टच करने से आपको झटका लग सकता है करंट, आया समझे ना? लेकिन डीसी करंट से कोई झटका लगता है लेकिन उतना नहीं लगता है, हल्का थोड़ा बहुत डीसी क्या, जैसे सपोज कहीं जो आपकी बैटरी की पावर आती है उसकी पावर कम होगा थोड़ी, अगर जो डायरेक्टली हम एसी करंट दे दे अपने मदरबोर्ड को, हमारे मदरबोर्ड को ज्यादा पावर मिलेगा, वो वहां से क्या जाएगा, जल जाएगा। उस पावर को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसएमपीएस। और एसएमपीएस क्या करता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी को किसमें कन्वर्ट करता है? जैसे आप लोग मोबाइल चार्जर देखे हैं ना, जो एसी को लेता है और डीसी बना करके आपके फोन को दे देता है, उसी प्रकार से एसएमपीएस ही होता है। क्या करेगा? एसी तो लेगा लेकिन आपके मदरबोर्ड को डीसी पावर बना करके सप्लाई करेगा, वो हमारा क्या होता है एसएमपीएस, यानी स्विच मोड पावर। इतना क्लियर है ना? और फिर आगे इधर यहाँ पे क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? पहला क्या, तो कह रहा आंतरिक भाग यानी कि इंटरनल पार्ट, और दूसरा कह रहा बाहरी भाग यानी कि एक्सटर्नल पार्ट। यानी कि कंप्यूटर कुछ अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ बाहर भी कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले कह रहा है इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। क्या क्या? तो कह रहा है इंटरनल हार्डवेयर ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आप लोग सीपीयू देखते हैं ना, सीपीयू सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे वो आपके कौन से हार्डवेयर होंगे? इंटरनल हार्डवेयर। आगे कह रहा है यह हार्डवेयर कंप्यूटर सीपीयू हार्डवेयर सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। सीपीयू को कंप्यूटर केस यानी कि कैबिनेट भी कहा जाता है। जैसे आप लोग जब जाते हैं ना और आपको ब्लैक सा ऐसे लंबा सा जो पार्ट दिखाई देता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं ना, ऐसे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। इसका दूसरा नाम कैबिनेट भी होता है। दूसरा नाम क्या होता है? कैबिनेट। और आगे कह रहा है आंतरिक हार्डवेयर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या दिया है? मदरबोर्ड। दूसरा क्या दिया है? नेटवर्क का। तीसरा क्या दिया है? वीडियो का। अगला क्या दिया है? साउंड का। उसके बाद से रैम, रैम के बाद से पावर सप्लाई, उसके बाद से ड्राइव, ड्राइव में क्या क्या दिया है? हार्ड ड्राइव, सीडी रोम और एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म आप लोगों को हमने बताया था, सॉलिड स्टेट। और एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क। और उसके साथ साथ एक उसमें फैन भी लगा हो, एक और उसमें क्या लगा होता है? फैन का काम क्या होता है कि आपके जो आपका जो सीपीयू होता है ना उसको ठंडा रखने का काम करता है। इतना क्लियर है ना? तो ये है किसका पार्ट? इंटरनल हार्डवेयर का। फिर एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या है? एक्सटर्नल हार्डवेयर पे आ जाइए। तो कह रहा है एक्सटर्नल हार्डवेयर कंप्यूटर से बाहर से जोड़े जाते हैं जो कि निम्न है। जैसे वो एक हमारा सीपीयू है ना, उसके बैक पैनल से या फिर फ्रंट पैनल से जो भी हम जोड़ते हैं वो हमारे कौन से हार्डवेयर कहलाएंगे? एक्सटर्नल हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और उसके बाद से स्पीकर। ये सारा हम अपने कंप्यूटर में बाहर से ही तो लगाते हैं ना। कीबोर्ड भी बाहर से लगाते हैं, मॉनिटर भी बाहर से लगाते हैं, प्रिंटर भी, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये सभी क्या होते हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। फिर आगे कह रहा है एडवांसेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। आखिर कंप्यूटर हार्डवेयर कुछ एडवांसेज भी तो है, कुछ फायदे भी तो है ना। क्या फायदा है? तो पहला कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे कार्य को स्वचालित बनाने में मदद कर, यानी कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास है ना, हमारा कंप्यूटर स्वयं से चलने की कुछ कोशिश करेगा। जैसे अगर इसके पास हम क्या करें, कीबोर्ड ना दे, हम कुछ भी टाइप करते रहेंगे, वो अपने आप कोई डेटा इनपुट करने देगा? जो हम इनपुट उसके पास देंगे एक हार्डवेयर के माध्यम से, तभी तो इनपुट लेगा। अगला, इसकी मदद से यूजर कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते, कि अगर जो हमारे पास हार्डवेयर है ना, जैसा एसएसडी हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गया, उसके माध्यम से यूजर क्या कर सकता है कि हार्डवेयर के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते।
आ क्या है, यूजर हार्डवेयर का प्रयोग करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं और दिए गए निर्देश अनुसार आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको इनपुट देना है तो भी हार्डवेयर चाहिए और आउटपुट देखना है तो भी हमारे पास हार्डवेयर। आगे कह रहा है, हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और इसे आवश्यकता के अनुसार अपग्रेड भी किया जा सकता है। जैसे समझ लीजिए, एक हमारे पास कंप्यूटर हमको बनाना है, हम क्या करते हैं, चार कंपोनेंट्स मिलाते हैं ऐसे अलग अलग से ला करके, एक कंप्यूटर हमारा तैयार होता है। बाद में जरूरत पड़ेगी हमको उसको कुछ अपग्रेड करना है, सपोज यार हमने लोकल कीबोर्ड या लोकल माउस लगाया है, आवश्यकता पड़ने को हमारे पास काम नहीं कर रहा उतना, हमको नया लगाना होगा, आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि कंप्यूटर में ऐसे भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं कि जिसको आप बाद में क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक कंप्यूटर खरीदे जिसका रैम दिया है 4 GB, जिसका रैम कितना दिया है 4 GB, हमको 4 GB स्पेस कम लग रहा है, यानी हमारे पास 4 GB और स्पेस चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को अपग्रेड कर देंगे, 4 GB वाले रैम को हटा देंगे और उससे अधिक वाले रैम को हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में लगा देंगे। आया समझे ना, ये हार्डवेयर के क्या है एडवांसेस जो हमारे हार्डवेयर होने से हमको फायदे मिलेंगे, और हमारे पास हार्डवेयर ही न रहे हम कोई कंप्यूटर यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे यही सिंपली आप समझ लीजिए, यूजर है और सॉफ्टवेयर, आपके पास हार्डवेयर नहीं, जब हार्डवेयर नहीं है तो आपके पास ना ही CPU है, ना ही मॉनिटर है, ना ही कीबोर्ड और ना ही माउस, यानी आपके पास ये कोई कंपोनेंट्स नहीं। क्लियर सबको ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपको कंपोनेंट्स दिखाने समझ में आ जाए कैसे होगा, फिलहाल ये नोट करिए, फिर आपको दिखाते हैं कंपोनेंट्स। तो आज आप लोग ये हार्डवेयर पढ़ के समझिएगा, और अगली क्लास में बस आपको बताना रहेगा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बाद अगली क्लास में आपको स्टार्ट कर देंगे MS को। क्लियर सबको ना?